हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एलिट अकेडमी एंड माय नेम इज़ अभिनव तो आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ये तीन फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ इनफैक्ट एक ऐसा अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूले कभी भी रटना नहीं पड़ेगा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा राइट right? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो so स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है सो so आप यह देख सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला वीडियो मिस किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोज देखिए एंड देन फिर आप यह समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं मैंने आपको बताया था दे आर टोटल सिक्स रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड साइन का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा कॉस का ऑपोजिट इज सेक थीटा एंड टेन का ऑपोजिट इज कॉर्ट थीटा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये देखिए कि ये जो जो जितने भी ये तीन और ये चार फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले में यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही यूज़ किया है सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होता है इस एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सो जितने भी ये तीन फॉर्मूले चार फॉर्मूले लिखे हैं सारे फॉर्मूले किससे मिलकर बने हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से राइट इसमें भी देखिए साइन थीटा कॉस कॉट कॉसेक टेन एंड सेक तो आपको इस सारे जितने भी टिग्नोमेटिक रेशियोज़ के और टिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज़ के जो फॉर्मूले हैं रखना नहीं पड़ेगा अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है तो इसका सबसे पहला स्टेप हम एक काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें बिकॉज टिग्नोमेट्रिक इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राएंगल सो राइट एंगल ट्राएंगल मैंने ड्रॉ किया और सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम तो आई थिंक सबको पता होगा सो so, वॉट इज थ्योरम लेट से सी इज अ रेफरेंस एंगल ये है थीटा एंड ये आपका हो गया परपेंडिकुलर दिस इज वॉट बेस एंड हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री की जो ऑपोजिट होता है वो आपका क्या होता है हाइपोटेनियस थीटा डिग्री रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज वॉट बेस तो पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को याद है तो लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है चलो अब जितनी भी ये आइडेंटिटीज आपकी निकली है ना सब इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है तो सबसे पहला फार्मूला हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन ये आया कहाँ से और यही एक ऐसा फॉर्मूला है सिर्फ यही फार्मूला आपको याद रखना है याद भी नहीं रखना है इनफैक्ट मैं बता देता हूँ आया कहाँ से है तो ऑटोमेटिकली बाकी ये दो फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे ठीक तो, है स्कौर्मुले 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 जाएंगे, तो हाईपोटे स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है अभी ये देखो आप हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी तो लिख लो आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा बी सी स्क्वायर अब मैंने क्या किया हाइपोटेनियस जो था हमारा ए सी ए सी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे राइट तो यहाँ पे भी मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो अभी ये ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा वन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या लिखा है यहाँ पे ये यह जो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो इसी का ही रेफरेंस लेकर के आप आ, समझ सकते हो तो ए बी अपॉन ए सी ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हमारा एसी इज वॉट हाइपोटेनियस तो इस फॉर्मूले में आप देख के बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का किस, किसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटे तो ए बी अपॉन ए सी आपका क्या हो गया साइन थीटा प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर तो बीसी हमारा यह है विच इज बेस अपॉन ए सी ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनियस तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ इज वॉट कॉस तो यह हो गया आपका इसको है थीटा इसको कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं जिन्होंने नहीं देखा है मेरा पुराना वाला वीडियोज वो आप लोग देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया इसको मैंने लिख लिया राइट हालांकि आप इसको नहीं भी लिखते थे आप यही भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते थे तो आपको आ जाता था तो नाउ आपने किया क्या फर्स्ट स्टेप ए से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन में ए सी ए सी कैंसिल होके हो गया वन ए बी अपॉन ए ये स्क्वायर लगा ये जरूर याद रखना आप तो ए बी अपॉन ए सी ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेनियस सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज वॉट साइन थीटा तो ये स्क्वायर लगाया तो मैंने लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा बी सी अपॉन ए सी भी क्या होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी ए है बेस हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा ए सी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया कॉस तो so, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा तो ये पहला फार्मूला आपका हाइपोटेनियस वाला आई मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसक्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन तो ये फार्मूला आपका कहाँ से आया है पाइथागोरस थ्योरम से आया है पाइथागोरस थ्योरम के बाद से आपका अब इसी फार्मूले से मैं बाकी दो फार्मूले डिवाइड करूंगा आई I मीन mean, दो फॉर्मूले डिराइव करूंगा तो फार्मूला हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन तो ये फार्मूला तो हमारा आ गया ठीक है अब इसमें मैंने वापस से क्या किया पूरे इक्वेशन में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके आ गया वन प्लस व्हाट इज कॉस अपॉन साइन थीटा टेन की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस ठीक है तो कॉट क्या होता है कॉट थीटा क्या हो जाएगा ऑपोजिट साइन अपॉन कॉस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा राइट तो ये हो गया आपका कॉट तो कॉस अपॉन साइन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अब जब इसमें स्क्वायर लगेगा तो कॉट भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन क्या होता है साइन किसका ऑपोजिट होता है साइन uh, का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेट तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये आ गया आपका दूसरा वाला फॉर्मूला फार्मूला आपका आ गया यहां पे राइट पहला फार्मूला कैसे आया मैंने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू वन दूसरा फार्मूला क्या किया मैंने इसी फार्मूले को वापस से लिखा रीअरेंज करके एंड देन उसमें साइन स्क्वायर थीटा पूरे इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया दूसरा वाला फार्मूला अब वापस से क्या करना है तीसरा फार्मूला कहां से आएगा आपको सेम वही करना है बस इस बार आपको क्या करना है साइन की जगह कॉस से डिवाइड करना है साइन की जगह कॉस से मीन पहले फॉर्मल लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटाजन आपको करना क्या है पूरे इक्वेशन में कॉस थीटा से डिवाइड करना है कॉस स्क्र थीटा से डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ये तो कटेगा नहीं ये कैंसिल हो गया ठीक नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस व्हिच इज टेन और यहां पे स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक तो ये स्क्वायर है तो सेक आपका थर्ड तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक्वायर थीटा तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं आपको इसी ट्रिक से ही समझ में आ जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाकी क्वेश्चन करते साइम टाइम पे अगर आपको याद ना है इमीडिएटली वॉट यू कैन डू हियर इज साइन से डिवाइड कर दिया तो आपको एक फार्मूला आ जाएगा कौ से डिवाइड कर दिया तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा राइट right? आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप गलत फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन में ठीक है सो so नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा इसके बिहाफ पे जो टिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज हैं इसके बिहाफ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज एट पॉइंट गाइज याद रखिए 8.4 के सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सॉल्व करके और ट्रिक के साथ कि कैसे एक मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सर सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रूफ वाले सॉल्व प्रूफ uh, 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 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्व टू राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर तीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक्ट थीटा उसको प्रूफ करना है तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन इन शॉर्ट आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं बट गाइज बिलीव मी ये ट्रिक के बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ उसमें एक्सरसाइज 8.4 8.4 एक्सरसाइज 8.4 आपको एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ सो क्या इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब इसलिए करिए कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले आएगा एंड नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो जरूर करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप एट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विथ अ सिंपल ट्रिक राइट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर